न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCIL ने भर्ती निकाली है इसके नरोरा प्लांट में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें भर्ती आई है असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की, स्टाफ नर्स की, इसके अलावा स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की, फार्मासिस्ट की और OT असिस्टेंट की। जो वैकेंसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की है उसमें तीनों टाइप की वैकेंसी आई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। हम सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, उसके बाद वैकेंसी की, उसके बाद पे, एज लिमिट, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, किस किस पोस्ट के लिए मांगा गया है, किसके लिए नहीं मांगा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पोस्ट वाइज पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, बाकी और भी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है NPCIL ने, और ये वैकेंसी जो आई है वो आई है नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। स्टार्टिंग फॉर्म की हो चुकी है 3 दिसंबर से, लास्ट डेट है 27 दिसंबर। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो नर्स ए की 3 वैकेंसी आई हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की बात करें तो इसमें मैकेनिकल की 4 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल की 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की आई हैं 2, फार्मासिस्ट ग्रेड B की 1 वैकेंसी है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन B की 1 वैकेंसी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की वैकेंसी आई हैं 17, वहीं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर की वैकेंसी आई है फिटर में 14 और इलेक्ट्रीशियन में 8। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर की 17 वैकेंसी हैं, फिटर और इलेक्ट्रीशियन की 14 और 8 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR की 4 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट फाइनेंस एंड अकाउंट की 1 वैकेंसी है, CNMM में 2 वैकेंसी हैं और स्टेनो ग्रेड 1 की वैकेंसी आई है 2। और ये जो वैकेंसी है ये सभी राज्यों के कैंडिडेट के लिए हैं, तो आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट और पे की। तो नर्स ए के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रहने वाली है। जहां कहीं भी एज लिमिट की बात हो रही है वहां पर 27/12/2021 को कट ऑफ डेट रखी गई है, यानी इस दिन आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। सैलरी आपको 44,900 वाले ग्रेड में मिलने वाली है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। पहले साल आपको 16,000 रुपये महीने स्टाइपेंड मिलेगा, दूसरे साल 18,000 रुपये, उसके बाद आपको 35,400 वाले ग्रेड में शामिल कर दिया जाएगा और आपकी सैलरी लगभग 55,000 रुपये रहने वाली है। अगर हम बात करें फार्मासिस्ट बी की तो 18 से 25 साल एज लिमिट है और 29,200 वाले ग्रेड में आपको रखा गया है। OT असिस्टेंट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट है और आपको 21,700 वाले ग्रेड में रखा गया है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर के लिए 18 से 24 साल एज लिमिट है। पहले साल आपको 10,500 रुपये महीने मिलेंगे, दूसरे साल आपको 12,500 रुपये महीने मिलेंगे, इसके बाद आपको 21,700 वाले ग्रेड में शामिल कर लिया जाएगा और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 32,000 रुपये महीने। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR, फाइनेंस, अकाउंट, CNMM की बात करें, साथ ही स्टेनो ग्रेड फर्स्ट की बात करें, तो एज लिमिट जो है वो 21 से 28 साल है और आपको सैलरी 25,500 वाले ग्रेड में मिलेगी स्टार्टिंग से ही। तो जहां कहीं भी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की वैकेंसी है वहां पर 2 साल तक आपको फिक्स पे मिलेगी, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, बाकी वैकेंसी के लिए शुरुआत से ही पूरी सैलरी मिलेगी। अब पर एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां पर आपको 5 साल की छूट दी जाएगी SST वालों को, 3 साल की मिलेगी OBC को, PH को मिलेगी 10 साल की, और उन्हीं वैकेंसी के लिए मिलेगी जो वैकेंसी आपके लिए रिजर्व है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। नर्स ग्रेड ए के लिए आपने 12th के बाद 3 साल का नर्सिंग का कोर्स कर रखा हो GNM का, या फिर आपने BSc नर्सिंग कर रखी हो, या फिर आपके पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट हो और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग ग्रेड 3rd में, नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd का सर्टिफिकेट हो और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है, या तो आपने 12th के बाद GNM का रखा हो या फिर कर रखी हो BSc नर्सिंग, तो आपके लिए एक्सपीरियंस की बाध्यता नहीं है। वहीं जिनके पास नर्सिंग सर्टिफिकेट है सिर्फ उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, यानी वो नर्सिंग असिस्टेंट जो 3 साल से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो भी एलिजिबल माने गए हैं। इसके अलावा नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जो BSc नर्सिंग वाले हैं उनको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की बात करें तो आपने मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क के साथ डिप्लोमा कर रखा हो कम से कम 3 साल का, और आपके पास 10th लेवल पर या फिर 12th लेवल पर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए, और वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री से वो भी एलिजिबल माने गए हैं। फार्मासिस्ट के लिए आप 12th पास हो और आपके पास फार्मेसी में 2 साल का डिप्लोमा हो और 3 साल का फार्मेसी में आपने ट्रेनिंग कर रखी हो और आप एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका ऑनलाइन फॉर्म की डेट के लास्ट डेट जो है उससे पहले का होना चाहिए। OT असिस्टेंट के लिए आपने 60% मार्क के साथ 12th कर रखा हो साइंस में और OT असिस्टेंट का 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की बात करें ऑपरेटर की तो आपने 12th पास कर रखा हो विज्ञान विषयों के साथ, विज्ञान और गणित विषय में कम से कम 50% मार्क्स अलग अलग होने चाहिए और 10th लेवल पर अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर की
तो इसके लिए आपने 10th पास कर रखी हो, जिसमें आपके साइंस में 50% मार्क्स हो, मैथ में 50% मार्क्स हो कम से कम, और आपने रिलेटेड ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर में 2 साल का ITI का कोर्स कर रखा हो, और वो ट्रेड जहाँ पर 2 साल से कम की ITI है वहाँ पर आपने कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त कर रखा हो। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट 10th लेवल पर होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की बात करें, HR की, फाइनेंस अकाउंट्स की, या फिर CNMM की, तो आपने किसी भी संस्थान से 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर रखी हो, और इसके अलावा आपको टाइपिंग आती हो कंप्यूटर पर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से इंग्लिश में। इसके अलावा आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा, जिसमें MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इसमें कम से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स आपने कर रखा हो। इसके अलावा अगर आपने 12th लेवल पर या फिर ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो इसकी जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो कम से कम 50% मार्क के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपको आती हो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, टाइपिंग आपको आती हो 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में। इसके अलावा जिन कैंडिडेट को हिंदी की टाइपिंग आती है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पास कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपने 12th लेवल पर या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो ये जरूरी नहीं है। और जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग है उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो साइंटिफिक ट्रेनिंग है, साइंटिफिक असिस्टेंट हैं, उनको 18 महीने की ट्रेनिंग पर रहना होगा। वहीं जो मेंटेनर ऑपरेटर हैं उनको 2 साल की ट्रेनिंग पर रहना होगा। मेंटेनर ऑपरेटर के लिए आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 45.5 kg वजन आपका होना चाहिए। इसके अलावा जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट को 4.5 साल का, वहीं मेंटेनर ऑपरेटर को 5 साल का बॉन्ड साइन करना होगा, 3 लाख रुपए का, 2,79,000 रुपए का, कि आप इस अवधि से पहले नौकरी नहीं छोड़ेंगे। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो नर्स, फार्मासिस्ट, OT असिस्टेंट, इसके अलावा मेंटेनर, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, HR, फाइनेंस अकाउंट, CNMM और स्टेनो ग्रेड 1 के लिए आपके पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। रिटर्न एग्जाम जो है वो आपका OMR बेस्ड या फिर CBT बेस्ड हो सकता है। वही अगर हम बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर के लिए सिर्फ आपका एग्जाम रहने वाला है। जो वैकेंसी आई है साइंटिफिक असिस्टेंट की, वहां पर रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। और इस भर्ती का जो विस्तृत चयन प्रक्रिया का प्रारूप है, यानी डिटेल सिलेबस है सिलेक्शन प्रोसेस का, वो नोटिफिकेशन में दिया गया है। नोटिफिकेशन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आवेदन करने का तरीका यानी हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आप npcilcareers.co.in पे जाके वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं 3 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक, और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। इसमें पहले चरण में आपको अपनी नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब जानकारी देनी है। ये पूरा हो जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर, उस पर जाके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। उसके बाद आप शैक्षिक योग्यता, एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर देंगे और उसका प्रिंटआउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। साथियों, ये थी जानकारी NPCIL ने जो भर्ती निकाली है नरोरा में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की, असिस्टेंट की, स्टेनो की, फार्मासिस्ट की, स्टाफ नर्स की, इसके बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।